Hello and welcome, students. So in today's video we are going to discuss the question answers of this chapter, that is chapter number 3 of your discovering book. So we will proceed with the first practice zone. That is, the first question is, write down any three major functions of skeletal system. So koi bhi teen functions, we know that it helps us in standing, right? It helps us, it gives support to our body. And it also protects our vital internal organs, such as brain ho gaya, lungs ho gaya, heart ho gaya, na, unko protect karta hai skeletal system, and also allows us to move. Hamari movements hoti hain ek jagah se dusri jagah tak ja pate hain with the help of the skeletal system, which are the bones which are present. Next question is, what do you understand by ribs and the shoulder blade? Ribs क्या होते हैं? They are the thin curved bones which are connected to the sternum from the front से sternum से connected होती हैं, and backward से किससे connected होती हैं? With the backbone, right? The vertebral column है. So ribs are the thin curved bones that form a protective cage around the organs in the upper body. And इसमें कौन-कौन से organs protected होते हैं? They are the lungs, heart हो गया, जैसे vital internal organs जिनको थोड़े सी अगर हम गिर जाते हैं चोट पहुंच सकती है, सो दे आर प्रोटेक्टेड इन इट. नेक्स्ट इज द शोल्डर ब्लेड इज द बोन दैट कनेक्ट्स द आर्म बोन टू द कॉलर बोन. हमने पढ़ा था कि जो हमारी आर्म बोन है वो कॉलर बोन से किससे कनेक्टेड होती है? विद द शोल्डर ब्लेड, राइट. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय द पेल्विस इन द ह्यूमन बॉडी. कौन सी चीज जो होती है विच इज कनेक्टेड विद द पेल्विस, दैट इज द जो हमारी बॉडी का बैलेंस है, बॉडी का वेट है, इट इज़ बैलेंस्ड टोटली ऑन द लेग्स बाय द हेल्प ऑफ द पेल्विस. पेल्विस इज अ बाउल शेप्ड बोन विच बैलेंसेज द टोटल वेट ऑफ आर अपर बॉडी ओवर आर लेग्स. क्लियर? बैलेंस बना के रखता है पेल्विस हमारे वेट का ओवर द लेग्स, राइट. ओके, सो नेक्स्ट प्रैक्टिस जोन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट, दैट इज टू बी डन बाय योर साइड, दैट काउंट द नंबर ऑफ बोन्स दैट आर देयर इन द फिंगर्स एंड थम्स. टोटल नंबर ऑफ बोन्स आपने काउंट करनी है. राइट द नंबर ऑफ बोन्स इन फिंगर्स एंड द थम. वी नो दैट इन ह्यूमन हैंड 4 फिंगर्स आर देयर एंड 1 थम्ब इज देयर, राइट. सो देयर आर 3 फिंगर्स इन वन, देयर 3 बोन्स इन 1 फिंगर एंड 2 बोन्स इन द थम. एक थम में 2 बोन्स होती हैं, एक फिंगर में 3 बोन्स होती हैं. तो टोटल नंबर ऑफ कितनी होगी फिंगर्स की बोन्स, कितनी होगी? 4 बोन्स. 4 फिंगर्स आर देयर, तो 3 आर इन ईच फिंगर, 12 बोन्स होगी फिंगर्स में एंड 2 विल बी इन द थंब. तो टोटल 14 बोन्स हमारी फिंगर्स एंड थंब में प्रेजेंट होती हैं एक साइड. बाकी की जो 26 बोन में से बाकी बची, दे आर इन द पाम रीजन. नेक्स्ट इज टू बी डन बाय योरसेल्फ कलरिंग, दैट यू विल कलर द जो फ्लैट बोन्स. यहाँ पे मैंने आपको एरो लगा के दिया हुआ है, देयर दोज आर द फ्लैट बोन्स, यू विल कलर दैम ब्लू. एंड जो जहाँ पे लॉन्ग बोन्स आर देयर, दे आर टू बी कलर्ड विद द रेड कलर. एंड इररेगुलर बोन्स हैं जो, दे आर कलर्ड टू बी कलर्ड विद द ग्रीन कलर से, उनको जो है कलर करना है, राइट. ओके, नेक्स्ट इज प्रैक्टिस जोन 3. प्रैक्टिस जोन 3 में यू हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें यू हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द जॉइंट्स विच आर गिवन. फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इट इज़ प्रेजेंट इन द शोल्डर एंड द हिप, वेयर द शोल्डर से हमारी आर्म बोन प्रॉपरली मूव कर सकती है, एंड इन द हिप जॉइंट्स में, हिप पार्ट में जहाँ पे हमारी लेग्स हैं जो प्रॉपरली मूव कर सकती हैं. नेक्स्ट इज पाइवट जॉइंट. पाइवट जॉइंट इज प्रेजेंट इन द नेक, एज वी हैव स्टडीड दैट इन फर्स्ट 2 वर्टीब्रेस जो हैं वहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द पाइवट जॉइंट विच हेल्प इन मोमेंट ऑफ आर हेड. नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट अलाउज द मोमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन, जैसे हमारी आर्म्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं टुवर्ड्स इनवर्ड, एंड सेम इज इन द लेग्स केस ऑल्सो. क्लियर? नेक्स्ट इज द ग्लाइडिंग जॉइंट. व्हाट इज द ग्लाइडिंग जॉइंट? ग्लाइडिंग जॉइंट में बोन्स जिसमें एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, लाइक इन रेस्ट हो गया, एंकल हो गया, बैक बोन में भी वर्टीब्रेस क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं व्हेन वी मेक सम मोमेंट, राइट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड आउट एनी 2 थिंग्स फ्रॉम योर सराउंडिंग, जो हमारे जॉइंट्स की तरह दिखती हैं, विच मूव्स सिमिलर टू आर जॉइंट्स इन आर बॉडी, लाइक
First example is like movement of an easy chair can be related to the movement of the pivot joint. Means जो easy chair means जो घूमने वाली चेयर होती है ऊपर से एंड वो ऊपर नीचे भी हो सकती है इन द सेम वे जैसे हमारा pivot joint move करता है. And the next is movement of the door can be related to the movement of the hinge joint. जैसे door एक ही direction में open होता है हमारा है ना, तो इन द सेम वे hinge joint भी हमारी body में arms को एक ही direction में open करता है. Clear? So these are the questions. Next comes the match the following part. Match the following we have to match the joints with their names. That first is, first कौन सा joint है? If you can see, it is the first joint is ball and socket. Okay. Next is the gliding joint. Where it is gliding joint? Let me find out the gliding joint. Where it is? Gliding joint is over here. Okay. Next is the hinge joint, which is present in the knee. So we will match it with the hinge joint. And the third one, fourth one is the pivot joint that is present in the neck. Okay. So proceeding further to the practice zone 4, that is the muscles. Fill in the blanks are there. Muscles work by dash and stretching. Is this say? By contracting and stretching. Next is muscles are made up of dash and fibers. Cells and fibers say jo muscles hain wo bante hain. That's we also we have studied. Next is muscles are attached to the bones by dash and tissues. Kis cheez se attach hoti hain? By the tendons. Whereas jo bone ek dusri bone se kis cheez se attach hoti hain? By the ligaments. But bones are attached to the bones. Muscles jo bone se attach hoti hain wo ek special substance se hoti hain. Those are the tendons. Clear? Next comes the practice zone 5, in which we have to find, first question is that write any three activities जहाँ पे आपको आपकी जो काम आपकी voluntary muscles करती हैं and involuntary muscles. First is voluntary muscles करती हैं जो हमारे hand और legs काम करते हैं, they all are voluntary. Like we are picking something from a table, that is because of voluntary muscles. Playing games, walking, because voluntary muscles हमारे accordingly काम करती हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसे they do, right? But involuntary muscles do not work according to our will. And like digestion of food, जब हम सो रहे होते हैं digestion तब भी हो रही होती है, right? Even breathing, जैसे सांस लेते हैं तब हम सो रहे होते हैं, तो we are not actually conscious उस time पे नहीं होते, but हम तब भी breathe तो करते हैं, that is done by the involuntary muscles. Clear? Even we can see the objects, that is done by the eyes, the muscles, right? And next is write the names of the bones which are involved during the activities mentioned below. जो नीचे activities दी हैं उनमें कौन कौन सी body की bones involved होती हैं, that you need to know. जैसे smiling में हमारा face, हमारा mouth काम, mouth की shape change होती है, that is due to the jaw bone, जिसमें teeth are there. Next is moving our head side to side. हमारा head side to side किस चीज़ से move करता है? By the help of the pivot joint. Pivot joint में कौन सी bones होती हैं? Bones of the vertebral column. Next is jumping. Jumping में we know that हम jump किस चीज़ से कर पाते हैं? By our which body part? That is the legs. तो इसमें हम legs की bones देखेंगे. Those are the femur, tibia, fibula. These all are the leg bones. So next is waving our arm. हमारा hand shake कैसे करते हैं हम, जैसे हम bye करते हैं किसी को, उस time पे waving our arms, वो किस चीज़ से होता है? That is by our arm bones. Arm bones में तीन टाइप होते हैं. One is upper part, जिसमें humerus is there, lower part of the arm, that is radius and ulna, and the third part is the hand part, and जिसमें hand bones होती हैं. Clear? Next is pulling our ears. हम अपने हम कान किस चीज़ से खींचते हैं? With our hands, तो उसमें हमारा hand और सारी arm involved होती है, तो you will write the arm bones here. Clear? और simply आप सभी names भी लिख सकते हो arm bone के, और फिर simply आप arm bones भी लिख सकते हो answer, right? So these are the practice zones. So I hope this is clear to you all. Thank you.